नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, उसमें अक्सर देखने को मिल रहा है मुझे कि आप लोगों के प्रश्न में आते हैं कि मेरा जैस्मिन का फ्लावर जो है सो खिल नहीं रहा है। तो इसी पर मैं आज आपसे बातें करने वाली हूँ कि ये क्यों नहीं खिलते हैं, क्या गड़बड़ी होती है, क्या केयर चाहिए जिसके कारण कि जैस्मिन में हमारे फ्लावर आते रहें। ये दोस्तों, इसके जो कारण हैं उसको मैं एक एक करके आपसे बातें कर लेती हूँ क्यों जैस्मिन में फ्लावर नहीं आते हैं। तो इसमें जो पहला कारण है कि मैं मुझे लग रहा है कि अगर आपके जैस्मिन के जो पेड़ हैं, प्लांट हैं, वो छाए में हैं, धूप में नहीं हैं, तो ये कारण हो सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो आप अपने प्लांट को धूप में ले जाएं। दोस्तों, अब मैं जो बात करती हूँ उसमें कुछ बातें ऐसी है जो अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं। प्रूनिंग का समय, जब फ्लावरिंग बंद कर दे प्लांट तो प्रूनिंग कर दीजिए। वैसे अगर बहुत ज़रूरी हो जाए तो हल्की फुल्की प्रूनिंग आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें फ्लावर थे और सारे फ्लावर खिल के समाप्त हो गए हैं, तो इस हालत में इस डाल को हल्की सी मैं यहाँ से कट कर दे सकती हूँ। लेकिन अनटाइमली अगर प्रूनिंग कर देते हो तो आपके फ्लावर नहीं आते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही बात कर लें कि पानी पानी इसको सॉयल जो चाहिए मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन पानी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर आप पॉट में रखे हो तो इसका ख्याल आपको रखना है कि पॉट की जो सॉयल हो वो अच्छी ड्रेनेज वाली हो, ताकि पानी डालने पर वो निकल जाया करे। दोस्तों, अब सॉयल की बात कर लेते हैं। तो सॉयल इसे एसिडिक सॉयल पसंद है। वैसे ये थोड़ी आगे बढ़ के चला जाता है, ये 5 से लेकर के 8 तक अगर आपका पीएच है तो ये आपका फ्लावर देता रहेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो जाने पर ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसके सॉयल अगर आपको लगे कि कुछ इसमें कमी है, तो आप इसके गमले में अगर रखे हो तो थोड़ी सी सॉयल ऊपर से हटाकर उसमें काऊ डंग वगैरह डालकर, बर्मी कंपोस्ट डालकर उस सॉयल को आप ठीक कर ले सकते हो। दोस्तों, अब बात करती हूँ मैं कि जाड़े में फर्टिलाइज़र, इसको जाड़े में फर्टिलाइज़र आपको नहीं देनी रहती है, ये फ्लावरिंग नहीं करता है। आपको स्प्रिंग से फर्टिलाइज़र देना शुरू करना है, जाड़े में नहीं देना है। अगर जाड़े में इसको बहुत ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र दे देते हो तो आपके प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, पौधे आपके खूबसूरत हो जाते हैं, पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं प्लांट, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करता है। नाइट्रोजन की अधिकता से हमारे जो फूल हैं जैस्मिन के वो नहीं खिलते हैं, तो इस बात का हमें ख्याल रखनी है। तो दोस्तों, फ्लावर लेने के लिए, इस तरह से फ्लावर आते रहे, इसके लिए करनी क्या है? आप देखोगे इसमें ढेरों फ्लावर आए हुए हैं, यहाँ तक इसके ब्रांच में आपको कलियाँ ही कलियाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो फ्लावर अगर आपको चाहिए तो आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र इसमें डालनी होगी। साथ ही मैं और भी कुछ फर्टिलाइज़र की बात आपसे करूँगी, तो चलिए मैं इसकी कुछ बातें आपसे करती रहती हूँ और फिर इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं, गुराई भी कर ही लेते हैं। जब यहाँ पर आ गए हैं तो सबसे पहले गुराई कर लेते हैं, पौधे के नीचे गंदगी नहीं रखा करें। देखिए, इसका एक रूट बाहर भी आ रहा है और हल्की फुल्की यहाँ पर गुराई अवश्य कर दिया करें। अगर पॉट में भी आप रखे हैं तो जो फर्टिलाइज़र देनी है तो उससे पहले गुराई कर लें, और थोड़ी दूर पर अगर आप ऑर्गेनिक दे रहे हो तो उतनी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर केमिकल फर्टिलाइज़र आप दे रहे हो तो आपको रूट से हटकर फर्टिलाइज़र देनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ बोन मिल ली है, तो आप बोन मिल डाल सकते हो, और ये 2 बड़े चम्मच मैंने रखे हैं। मेरा पौधा जो है ये सॉयल में लगा हुआ है, तो सॉयल में लगे हुए वाले में थोड़ी सी फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं रहती है। अब मैं बात करती हूँ आपको एनपीके का। एनपीके जो है उसमें आप दे सकते हो एनपीके आपका 10, 30 और 20, या फिर आप 15, 30 और 50, इस तरह के
जो नंबर आते हैं उसको देना है आपको, क्योंकि बीच वाला जो है वो आपका जो अंक अधिक होना चाहिए, वो फास्फोरस आपका अधिक रहता है। साथ ही आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ 2 चम्मच रखे हैं, लेकिन आपको अपने पौधे का एज देखना है, आपका पौधा का उम्र कितना है, साथ ही आपके पॉट की साइज कितनी है। इसको नॉर्मली आप पॉट के साइज के अनुसार रख सकते हो, 10-12 इंच के पॉट हो तो 10-12 दाने आपको डालने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालने हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें, और जब आप केमिकल फर्टिलाइजर दें तो रूट से हटाकर इसको दिया करें। दोस्तों इसके साथ ही इसको इप्सम सॉल्ट भी बहुत पसंद है, तो इप्सम सॉल्ट भी आप पानी में घोलकर 1 चम्मच 1 लीटर में घोलकर दे सकते हो। मैं यहाँ सॉइल में ही इसको डाल दे रही हूँ, आप सॉइल में भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी दूरी आप मेंटेन कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको शेयर करने के लिए सारे फर्टिलाइजर की मात्रा बताने के लिए एक साथ कर रही हूँ, आप एक एक करके दो और 15 दिन से लेकर 1 महीने बाद दिया करो। दोस्तों ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है इप्सम सॉल्ट, इससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं और फ्लावर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव करती है। इस चीज़ को आप जान लो, फ्लावर खूबसूरत भी आएंगे, बड़े भी आएंगे और अधिक संख्या में भी आएंगे। साथ ही बोन मील जो है उसमें कैल्शियम के साथ फास्फोरस की मात्रा होती है, और फास्फोरस जैस्मिन के लिए बहुत जरूरी फर्टिलाइजर है। दोस्तों अब इसकी जो इसमें जो फर्टिलाइजर डाली गई है उस पर सॉइल डालकर ढक देनी है। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, साथ ही अगर चैनल पर हैं तो नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले सकते हो, इस तरह की वीडियो मैं लेकर आते रहती हूँ। दोस्तों बिट्स जो है, जो घास फूस हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं इनके लिए, तो इसको हटा देनी चाहिए। और आप अभी देखोगे मैं इसके साथ अभी क्या कुछ और करने वाली हूँ। दोस्तों ये यूज्ड टी लीव्स है और इससे मल्चिंग बहुत अच्छी होती है, मेरे पास ये थोड़ा सा ही है। ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है, बहुत बेहतर होता है, सॉइल को एसिडिक बनाता है, इसलिए आप जो टी लीव्स है आप उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। साथ ही आपके पास अगर बर्मी हो, बर्मी कंपोस्ट आपका दोनों काम करेगा, फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और आपका मल्चिंग का भी आप कर दे सकते हो। इसके ऊपर से आप डाल दे सकते हो, चारों तरफ 1-2 मुट्ठी आप बर्मी कंपोस्ट डाल दे सकते हो। दोस्तों मैं कई चीज़ों को इसलिए दिखला रही हूँ कि किस किस चीज़ से आप मल्चिंग कर सकते हो। कुछ सूखे पत्ते हो तो उससे भी आप मल्चिंग कर दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मिरेकल ग्रो जो है वो भी बहुत अच्छा रहता है, उसको भी आप दे सकते हैं। अब मैं इसमें पानी दे रही हूँ और साथ ही इसी के साथ मैं अब चलूँगी। आप सबों को यह कहते हुए कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।